तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका चैनल पे। आज हम स्विफ्ट का जो एंटी थीफ अलार्म होता है उसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और एंटी थीफ अलार्म क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम एंटी थीफ अलार्म को ऑन कर लेते हैं, मतलब गाड़ी में एक्टिवेट कर लेते हैं। वो फैक्ट्री से ही डिफॉल्ट में डीएक्टिवेट हो गया था, हम उसको एक्टिवेट करेंगे और उसके बारे में आगे बात करेंगे कि वो एंटी थीफ अलार्म क्या होता है। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हमको इग्निशन को ऑन करना है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इग्निशन को ऑन करेंगे तब भी काम चल जाएगा। हमने गाड़ी को इग्निशन को ऑन कर लिया है। ये जो राइट साइड पे आपको नॉब दिख रहा है, इसको हमको लगभग 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। देखिए, मैंने इसको 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करा। अभी इसको ऑपरेट करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। इसको ऑपरेट करने के लिए अभी ये आगे धकेलने के लिए, मतलब ये क्लॉक की सेटिंग है, अभी हमको जाना है ये सिक्योरिटी की सेटिंग्स में। तो इसको आगे करने के लिए ये जो नॉब होता है इसको इस तरीके से घुमाना है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमाना है। अभी डोर की सेटिंग्स पे आ गए हम, फिर से एक बार करेंगे तो लाइट्स की सेटिंग पे आ गए। लाइट्स की सेटिंग मतलब आगे की हेडलाइट की सेटिंग्स होती है। और फिर से एक बार इसको करेंगे तो हम आ गए सिक्योरिटी की सेटिंग्स में। सिक्योरिटी सेटिंग्स में आने के बाद इसको एक बार ऐसे प्रेस कर लेना है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे S2। S2 का सबसे पहले मैं मतलब बता देता हूँ। S2 मतलब है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है यहाँ से होता है। हम S2 में जाएंगे सबसे पहले। अभी ये SCL1 पे, SCL1 पे होता है एक्टिवेट, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम जाएंगे S2 पे। S2 पे ये होता है डीएक्टिवेट, तो हम इसको एक्टिवेट ही रहने देते हैं। मैंने पहले एक्टिवेट कर लिया था। बैक जाएंगे, बैक जाने के लिए इसको 3 बार घुमाना है। ये इधर आ जाएगा बैक, हम चले जाएंगे बैक। बैक आ गए, इसको फिर से एक बार घुमाना है, हम चले जाएंगे S3 पे। फ्रेंड्स, आ गए हम यहाँ पे S3 पे। S3 पे क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। S3 पे होता है गाड़ी की इंटेंसिटी, मतलब कोई जोर से हिट करेगा तो गाड़ी को कितना जल्दी रिस्पॉन्स करना है, और कोई जब हल्के से हिट करेगा तो कितना जल्दी रिस्पॉन्स करना है, ये सेटिंग यहाँ पे सेट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के लिए हम इसको प्रेस करेंगे तो अभी 0-0 दिखा रहा है। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको लगभग लगभग 10 पे लेके जाना है, 9 या 10 पे। मैंने 10 पे सेट कर रखा है ऑलरेडी, इसको फिर से सेट कर लेता हूँ। सक्सेस, मतलब ये सेट हो गया अभी 10 पे। मतलब 10 पे ऐसी सेटिंग होती है कि जब जोर से कोई हिट करता है गाड़ी को तभी ये गाड़ी सायरन करेगी, वरना जो स्लो हिट होते हैं, मतलब हल्के से कोई मारेगा तो गाड़ी हिट सायरन नहीं करेगी, जोर से इसको मारना पड़ेगा तभी जाके ये सायरन करेगी। ये तो सेट हो गया। अभी हम जाएंगे S4 पे। S4 पे क्या होता है, S4 पे होता है गाड़ी के सायरन का साउंड कितना तेज होगा और कितनी देर तक होगा, ये S4 पे सेट होता है। अभी हम इसको S4 पे जाएंगे। मैंने भी इसको लगभग 9 या 10 पे ही रखा होगा। जी हाँ, नहीं, मैंने अभी इसको रखा ही नहीं है। मैं इसको 9 पे सेट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। अभी हम आ जाएंगे बैक इस सेटिंग से। बैक आ गया। अभी ये हो गया सक्सेस। सेटिंग से आपको बाहर निकलने के लिए इसको एंड पे लेके आना है। एंड पे लेके आने के बाद इसको प्रेस कर देना है तो हम आ जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे आ गए अभी हम। अभी आपका ये नॉर्मल माइलेज वगैरह सब शो करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये गाड़ी का एंटी थीफ अलार्म जो है अभी एक्टिवेट हो गया है। अभी हम बाहर जाएंगे और बाहर जाके इसको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम जो है अभी यहाँ पे बाहर आ गए हैं, इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको टायर पे टेस्ट करेंगे। गाड़ी लॉक होनी चाहिए, अभी गाड़ी लॉक है तभी ये वर्क करेगा। तो टायर पे हिट करके देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप, इसका जो एंटी थीफ अलार्म है इतने तेजी से सायरन करने लग गया है। अभी कहीं पे हिट करेंगे तभी भी एक वर्क करेगा। अभी यहाँ पे हिट करके देखते हैं, यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। देखिए, आप गाड़ी के कहीं पे भी हिट करिए, मैंने इसकी इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा ही सेट कर दी, इसलिए मैं जब हल्के से भी मारता हूँ तभी ये बहुत तेज़ी से सायरन करने लग जाता है। अभी मैंने जब इसको 2 बार हिट कर लिया है, अभी जब मैं 3री बार इसको हिट करूँगा तो ये लगभग बहुत देर तक सायरन करती रहेगी।
वो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा बाद में, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेबर्स वगैरह जो है बाहर देखने आ गए थे क्या क्या हुआ है। तो इसको एंटिटी पालम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चोर उचक्के होते हैं वो कई इलाके में क्या करते हैं, कार का मतलब कार जहाँ पे पार्क होती है वहाँ पे कार का शीशा जो विंडो होता है उसको ब्रेक करते हैं और अंदर का वो साउंड सिस्टम और कुछ भी चीज़ें होते हैं वो उठा लेते हैं, वहाँ पे उसका यूज़ होता है। जब आपके विंडो जब ब्रेक होगी तो ये जो सायरन बजा है पहले वो कंटिन्यूसली बजने चालू होगा, वो बंद ही नहीं होगा, बजते ही रहेगा जब आपकी विंडो ब्रेक होगी होगी तब स्पेशली। और वो बच्चे वगैरह भी होते हैं, वो जो शैतान बच्चे होते हैं वो गाड़ी पर हिट करके चले जाते हैं, बॉल वॉल लग जाती है, तब भी ये फीचर बहुत काम का होता है। तो अभी तो हमने इसको एक्टिवेट कर लिया है, क्योंकि कई कई जगहों पर हमको इसकी ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली जब आपकी गाड़ी पार्किंग में सेफ जगह पर पार्क होती है तब इस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं होती। उसको डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस हम जान लेते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमको इग्निशन को ऑन कर लेना है। ये देखिए, अभी ये लाइट को देखिए और बीप को सुनिए। मैंने अभी गाड़ी को बाहर हिट किया था, इसकी वजह से ये लाइट और ये बीप आपको वार्न कर रहा है कि गाड़ी को किसने तो हिट किया है। ये इस साइन का इंडिकेटर होता है, ये लाइट और ये बीप। सो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमको सिर्फ सिंपली वही प्रोसेस दोबारा से करना है। 3 सेकंड के लिए इसको दबाना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी के जाने बाद S2 में हमको इसको SL2 पे सेट कर देना है। अब ये सक्सेस हो गया, मतलब ये डीएक्टिवेट हो गया आपकी गाड़ी का एंटी पालम। इसको अभी हम एंड कर देते हैं बैक और ये हो गया एंड। अभी बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, अभी जब मैं इसको हिट करूँगा तभी देखना। अभी ये काम नहीं करेगा, मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। सो वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके करे बिना मत जाना।